स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्रेन कनेक्टर पे। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास इलेवेंथ और यहाँ तक कि कह सकते हैं कि हर एक मैथ्स के सेक्शन में जितना भी आप आगे पढ़ेंगे वहाँ पे यूज़ आने वाला सबसे कॉमन चैप्टर जो है, कॉमन टॉपिक कह सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरवल। इंटरवल टॉपोलॉजी में भी पढ़ते हैं हम लोग और इसका बहुत ज़्यादा यूज है। इसको यूज़ हम हर जगह करते हैं, जैसे हमें अगर डोमेन लिखना हो किसी फंक्शन का या फिर रेंज लिखना हो तो इसका यूज़ कहीं कहीं आपको पता रहेगा, तभी आप उसको डिनोट कर पाएंगे, तभी आप उसको लिख पाएंगे। तो आइए समझते हैं कि इंटरवल होता क्या है और इंटरवल सेट में डिफरेंस क्या होता है। कई बार बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि सर इंटरवल और सेट में डिफरेंस क्या है, तो वो चीज़ें आज हम लोग बेसिक इसका सारा कुछ सीख लेंगे कि इंटरवल और सेट्स में डिफरेंस क्या होते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीज़ें हम लोग क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। बने रहिए लास्ट तक, ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आइए समझते हैं कि पहले तो ये समझ लें कि सेट और इंटरवल में डिफरेंस क्या है। तो सेट हम लोग किसी भी नंबर्स का, कोई भी डिफाइंड वेल डिफाइंड नंबर है, उनको मिला के हम लोग क्या कर देते हैं, सेट बना देते हैं। पर जब हम लोग इंटरवल की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं एक ब्रेक की, जो ब्रेक एक पर्टिकुलर ब्रेक लगता है उसकी हम लोग बात करते हैं, उसको हम लोग इंटरवल कहते हैं। जैसे इंटरवल, जैसे हम लोग स्कूल में रहते हैं, स्कूल में क्या जो पर्टिकुलर टाइम होता है लंच का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरवल। मतलब ये गैप है, ये वेल डिफाइंड गैप होता है कि इतने बजे से इतने टाइम तक ये क्या होगा, ये गैप चलेगा। वैसे ही इंटरवल होता है, एक नंबर लाइन होता है। अगर ये नंबर लाइन हम लोग ले लें, ये नंबर लाइन ले लें और इसे किसी भी दो नंबर के बीच के सारे नंबर्स की बात करें, वहाँ पे इंटरवल का कॉन्सेप्ट आता है, जन्म लेता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक क्या है, पर्टिकुलर केस है किसका, सेट का, जो हमें बताता है कि किन्हीं टू रियल नंबर्स के बीच में कितने रियल नंबर लाई करेंगे या फिर उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरवल कहते हैं। वैसे हम लोग, आप लोग को पता होगा कि ए और मतलब अगर कोई दो रियल नंबर हैं उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर लाई करते हैं, सभी को मिला लें, अगर रेशनल नंबर इरेशनल नंबर सबको मिला लें, सब इनफाइनाइट होते हैं, उनको काउंट आप नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि इंटरवल का कॉन्सेप्ट होता क्या है, आप समझ गए होंगे कि इंटरवल क्या होता है। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर किसी भी दो रियल नंबर के बीच के जानकारी हम लोग जानना चाहते हैं, एक्स जानना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, कोई दो नंबर तो चाहिए होंगे, और कोई दो नंबर होगा तो जेन्युइन सी बात है, एक उसमें से कोई बड़ा होगा, एक उसमें से कोई छोटा होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है ये इंटरवल का डिफिनेशन, द सेट ऑल रियल नंबर लाइंग बिटवीन टू रियल नंबर्स, जो भी सेट ऑफ नंबर्स लाई करता है दो रियल नंबर के बीच में, ठीक है, ए एंड बी, विद ए इज लेस देन बी, मतलब उसमें ए छोटा होगा बी से, ठीक है, इस कॉल इंटरवल, उसको हम लोग कहते हैं इंटरवल। अब ये इंटरवल चार प्रकार के होते हैं, ठीक है, पहला होता है ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, फिर ओपन हाफ एंड फिर क्लोज हाफ इंटरवल होता है, ठीक है। इनका यूजेस कैसे होते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बारी बारी से हम लोग सीखेंगे। तो जैसे सबसे पहले अगर इंटरवल की बात करें तो पहला इंटरवल है क्लोज इंटरवल, जिसको हम लोग देख रहे हैं कि बड़े ब्रैकेट में ए कॉमा बी करके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हमको अगर कभी भी क्लोज इंटरवल दिया रहेगा, कब लिखते हैं, कब यूज़ करते हैं क्लोज इंटरवल का, ये भी हम लोग अभी समझने वाले हैं। फिलहाल आप इसको समझ लीजिए कि अगर क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करना है आपको तो हम लोग इस तरह करते हैं। और क्लोज इंटरवल का मतलब यही होता है कि जो भी एंड पॉइंट्स हैं, अच्छा इन पॉइंट्स में जैसे मान लीजिए कि अगर ये ए है और ये बी है, इसको कहते हैं क्या, इसको इन्फिमम बोलते हैं, इसको सुप्रीमम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको इन्फिमम बोलते हैं और इसको सुप्रीमम बोलते हैं। और इनका मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग क्लोज इंटरवल लगा रहे हैं, मतलब क्लोज ये बड़ा ब्रैकेट लगा रहे हैं, तो क्यों लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उस रियल नंबर के सेट में जो दो नंबर के बीच में रहेंगे उनमें ए और बी भी इंक्लूडेड रहेंगे, उनमें ए और बी क्या रहेंगे, इंक्लूडेड रहेंगे। तो अगर हम लोग बात करें ए और बी इंक्लूडेड की, तो हम लोग इसको इस तरह नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे डार्क डॉट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए और बी, ठीक है। जब भी ऐसा कुछ माहौल बनता है नंबर लाइन पे तो हम लोग ये यूज कैसे करते हैं, तो हम लोग उसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं ए बी। अब ऐसा माहौल का मतलब क्या है कि ए बी भी उस सेट में क्या है, इंक्लूडेड है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें किन्हीं दो नंबर के बीच के नंबर की, तो उन दोनों नंबर को हम लोग क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। पर ये कौन सा केस है, इस केस में अगर हम लोग दो रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो उसमें उसके बीच वाले एलिमेंट तो हैं ही, उनके दोनों एंड पॉइंट वाले एलिमेंट भी उसी में होंगे, मतलब इन्फिमम और सुप्रीमम भी दोनों उसी सेट में होंगे। तो ये हो जाएगा आपका
अच्छा, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो ये एक इसका तरीका हो गया रिप्रेजेंट करने का, ए इज इक्वल टू बिग ब्रैकेट ए कॉमा बी, वेयर ए बी आर द ए बी बिलोंग्स टू ए, मतलब कोई सेट है, ठीक है। पर अगर उसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना रहे तो कैसे लिखेंगे? तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं ए, फिर आपको पता है सेट बिल्डर, आप लोग सेट पढ़े होंगे, यक्स सच दैट एक्स इज रियल नंबर, और जो यक्स होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए। मतलब मान लीजिए अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 2 3 ले लेते हैं, अगर 2 3 ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि ये देखिए, अब यहाँ पे जो इसके बीच वाला नंबर, इसके बीच वाले नंबर को ही तो एक्स बोल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो एक्स होगा ये क्या बता रहा है कि अगर ये क्लोज इंटरवल है तो उसमें बताएं कि 2 भी इंक्लूडेड रहेगा, तो टू इक्वल भी होगा एक्स के, और क्या होगा, 2 से बड़ा सारे नंबर, 2 से बड़े सारे नंबर, तो 2 से बड़ा सारा नंबर और 2 इंक्लूडेड रहेगा। तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब क्या होता है, मतलब इसमें 2 भी हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू बात करेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ, तो मतलब ये हुआ कि एक्स की जो वैल्यू होगी वो 2 के बराबर भी होगी और 2 से सारी बड़ी नंबर क्या हो जाएंगी। ये एक एंड पॉइंट है, जब इन्फिमम का एक इन्फिमम है, इधर का भी नहीं हमें पता है लिमिट, पर जब यहाँ पे जब दूसरी बारी जब दूसरा पॉइंट देखेंगे तो हमें दूसरा लिमिट भी पता लग जाएगा। और दूसरा लिमिट क्या बता रहा है कि ये जो 3 है ना, ये जो एक्स की वैल्यू 3 से छोटी रहेगी या फिर 3 से बराबर रहेगी, मतलब क्या कि इस सेट ऑफ नंबर में 2 और 3 दोनों क्या हो गए, इंक्लूड हो गए, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 के भी बराबर है और यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 के भी बराबर है। जब ये दोनों वैल्यू एक्स 2 और 3 दोनों के बराबर हो गई, मतलब उस सेट ऑफ नंबर में 2 और 3 भी क्या हो गए, इंक्लूड हो गए और बाकी सारे रियल नंबर आ गए। तो इसीलिए हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, एक्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया कि पहला क्लोज इंटरवल क्या होता है, ठीक है। क्लोज इंटरवल वो होता है जिसमें दोनों इंड पॉइंट मतलब इन्फिमम और सुप्रीमम दोनों क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, और जब ये इंक्लूड होते हैं तब हम लोग बड़े ब्रैकेट का यूज़ करते हैं और यूज़ करके समझ जाते हैं कि ये इस तरह रिप्रेजेंट होगा। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन पे 2 और 3 लिख देते हैं, और जब ये इंक्लूडेड है तो यहाँ पे डार्क लगा देते हैं और डार्क यहाँ पे लाइन बना देते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो जाता है किसका, क्लोज इंटरवल का, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं ओपन इंटरवल की, तो ओपन इंटरवल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसी ब्रेकेट को हम लोग उल्टा करके लगा देते हैं, ठीक है। कई बार कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं ए बी, ठीक है, ए ब्रैकेट बी, पर जब लोग ऐसे लिखते हैं ना तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर को भी हम लोग ऐसे ही लिखते हैं तो दिक्कत हो जाती है, क्या ये लिखा हो क्या हुआ है। तो इसीलिए हम लोग इस तरह से ना लिख के हम लोग इस तरह से लिखना प्रेफर करते हैं, मतलब ब्रिक ब्रैकेट ए कॉमा बी, ठीक है, फिर ब्रिक ब्रैकेट उल्टा कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि ए और बी जो एलिमेंट नहीं होंगे किसके, ये सेट ए के, मतलब इसमें से ए और बी नहीं होंगे, मतलब ए और बी को एक्सक्लूड कर दिया गया, क्या कर दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया। यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट ओपन है, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के बीच के सारे नंबर तो होंगे, पर ए और बी जो दोनों हैं उनको क्या कर दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया। इसीलिए इसको किस तरह लिखा गया है, एक्स इज ग्रेटर देन ए, जब बात कर, जब अगर आपको बोला जाएगा कि 5 एक्स इज ग्रेटर देन 5, तो कौन सा नंबर लेंगे आप, तो 5 को तो छोड़ देंगे क्योंकि एक्स जो है वो ग्रेटर है 5 से, तो 5 से बड़ा नंबर लेंगे 6 7 8 9 10 एंड डॉट 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 जितना भी ले सकते हैं आप। लेकिन अगर ये बोला जा रहा है कि एक्स इज ग्रेटर देन 5, तो वहाँ पे एक्स को छोड़ देंगे। वैसे ही अगर यहाँ पे बोला जा रहा है एक्स इज ग्रेटर देन ए, तो यहाँ पे ए को हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए को छोड़ दिया गया है, ए को छोड़ा गया है, इसीलिए यहाँ पे उल्टा ब्रैकेट लगाया गया। वहाँ पे फिर लिखा है क्या, एक्स इज लेस देन बी, मतलब ये एक्स जो है ना वो बी से छोटा भी है, मतलब बी से छोटा है। मान लीजिए अगर बोल दो कि एक्स इज लेस देन 8, तो एक्स लेस देन 8 है तो मतलब 8 को छोड़ के ना 7 6 5 3 2 1 ये सारे क्या होंगे, ये होंगे एक्स की वैल्यूज। तो ओपन इंटरवल का यही मतलब हुआ कि यहाँ पे इन दोनों को क्या करना है, 2 और 3 को मतलब इन्फिमम और सुप्रीमम को छोड़ देंगे, बाकी जो सारे नंबर बचेंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल बोलेंगे, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, नंबर लाइन पे यहाँ पे होलो बना देते हैं, ये डार्क यहाँ पे डॉट नहीं रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, होलो डार्क रहता है, और होलो ऐसे बना देते हैं 2 और 3, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब देखिए रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे 2 और 3 ऐसे लिख देंगे, और इसको रिप्रेजेंट कर देंगे एक्स इज ग्रेटर देन 2 बस लेस देन 3। अब देखिए ऐसा अगर कहीं भी लिखा हुआ है तो समझ जाएंगे
कि ये किसकी बात कर रहा है, ओपन इंटरवल की बात कर रहा है, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट इस तरह करेंगे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट इस तरह करेंगे, और ये सारा इसका क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो इनका यूज़ करके हम लोग बहुत बारी इसका यूज़ मिलाते हैं डोमेन लिखने में, रेंज लिखने में। तो जब इसको आप समझ पाएंगे तभी तो लिखेंगे। अब देखिए दूसरा तीसरा नंबर जो है वो क्या है, क्लोज ओपन। तो क्लोज ओपन में मतलब क्या कि एक साइड से क्लोज रहेगा और दूसरे साइड क्या रहेगा, ओपन रहेगा। मतलब एक साइड का जो इन्फिमम है वो इंक्लूडेड रहेगा और जो सुप्रीमम है वो क्या रहेगा, एक्सक्लूड रहेगा। तो यहाँ पे लिखा गया कि देखिए ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ये जो है वो ए से बिलोंग करता है पर बी नहीं बिलोंग कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, एज सच द सेट एक्स इज रियल नंबर वेयर ए इज इक्वल टू ग्रेटर देन, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, मतलब यहाँ पे एक्स जो है वो बड़ा भी है और बराबर भी है के, बट लेस देन बी, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू बी नहीं है, यहाँ पे क्या है सिर्फ बी है, मतलब बी को क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। मतलब अगर हम इसी टू थ्री को ही बात करेंगे तो इसको लिखेंगे ऐसे टू कॉमा, और यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, मतलब यहाँ पे देखिए टू इसका मतलब क्लोज्ड ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट मतलब ये इंक्लूडेड है, तो टू इंक्लूडेड है और थ्री क्या है, एक्सक्लूडेड है। और जब टू इंक्लूडेड है और थ्री एक्सक्लूडेड है तो इसको हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग नॉर्मली अगर टेबुलर फॉर्म में वो लिखे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब इसको अगर हम नंबर लाइन पे करेंगे तो देखिए जो इंक्लूडेड होता है उसमें हम लोग डार्क मार्क लगाते हैं, तो टू इंक्लूडेड है तो टू को हम लोग ऐसे लिखेंगे, डार्क लगा दिए तो डार्क और एक तरफ होलो, होलो मतलब क्या हुआ है कि ये थ्री क्या एक्सक्लूडेड है और इसका डार्क का मतलब क्या हो गया, थ्री इंक्लूडेड है। तो आई होप ये आपको समझ आ रहा है कि ये सारे इंटरवल्स काम कैसे करते हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ठीक है। और लास्ट बचा हुआ है क्या, ओपन ओपन क्लोज, मतलब एक तरफ का ओपन रहेगा दूसरे तरफ का क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। एक तरफ का ओपन मतलब अगर हम लोग बात कर लें ऐसे टू थ्री, अब देखिए थ्री पे क्लोज है, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा है, पर टू पे क्या लगा है, ओपन ब्रैकेट लगा है। और इसको हम लोग अगर लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, एक्स इज ग्रेटर देन टू, ये जो एक्स है वो टू से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, बट लेस देन इक्वल टू क्या रहेगा, थ्री। अब देखिए इक्वल टू आ गया मतलब यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज हो गया, और इसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट इसी तरह करेंगे, अगर टू और थ्री यहाँ पे लिखा हुआ है तो ऐसे करेंगे, यहाँ पे होलो रहेगा, होलो मतलब ये क्या है, ये एक्सक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड है। आई होप ये पूरा आपको समझ में आया, ये शॉर्ट वीडियो सिर्फ आपको इंटरवल को डिटरमिन करके बनाया हूँ मैं। इसके बाद हम लोग अभी देखेंगे इसी वीडियो में कि क्या होता है इनफाइनाइट सेट, ठीक है। आई होप आपको ये इतना तो समझ में आया, इस पर बेस्ड आपके बुक में एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस है, उसको आप लोग अटेम्प्ट करिएगा, समझ में आएगा, मजा आएगा आपको करने में, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। बस आप पे आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज की ज़रूरत है और आपको ये क्या हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, फिर हम लोग देखते हैं इनफाइनाइट। आइए बच्चों समझते हैं कि इनफाइनाइट इंटरवल क्या होता है। तो इनफाइनाइट इंटरवल का डिफिनेशन क्या होता है, सिंपल सा डिफिनेशन है, यूज टू रिप्रेजेंट इंटरवल्स एक्सटेंडिंग indefinitely in one direction, मतलब infinitely जब कोई भी set जो हो वो एक direction में बढ़ रहा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, infinite set बोलते हैं, infinite interval बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे 2 और यहाँ पे ऐसे दे दिया गया, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि 2 एक तो इनफाइन दिया है, इनफिमम तो दिया है पर सुप्रीमम हमको नहीं पता है, सुप्रीमम इनफाइनाइटली बढ़ते हुए चला जा रहा है। मतलब अगर 2 के बाद अगर इनफाइनाइट लिखा हुआ है, इसका कुछ भी रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 कर 5 6, ऐसे ही चलता चला जा रहा है रियल नंबर। तो ऐसे इंटरवल्स को क्या बोलते हैं, बोलते हैं इनफाइनाइट इंटरवल। जैसे इसमें चार प्रकार है, तो जैसे देखिए इसको हम लोग डिनोट करते थे क्या, ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल में क्या होता था, ये दोनों टर्म क्या थे, एक्सक्लूडेड थे। तो यहाँ पे ये तो पता नहीं है आपको, इनफिमम तो पता नहीं है पर सुप्रीमम पता है, और सुप्रीमम क्या है, बी है, सुप्रीमम बी है, और बी के सामने अगर ये लिखा हुआ है क्या, ओपन इंटरवल, तो इसका मतलब क्या, ये भी एक्सक्लूडेड है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हूँ ऑल वैल्यूज लेस देन बी एक्सक्लूडिंग बी, मतलब इस बी को भी छोड़ दिया गया है, तो बी के पहले के सारे नंबर और इनफाइनाइट तक जो नंबर होंगे वो क्या, वो कहलाएंगे इंटरवल कहलाएंगे, कौन से, ये ओपन इंटरवल। और फिर ये क्लोज इंटरवल अगर अगर इसी का दूसरा टाइप देख लीजिए, ए और ये दूसरा जो इनफिमम है ए है, और सुप्रीमम क्या है, इनफाइनाइट तक ये इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे ऑल वैल्यूज ग्रेटर देन ए, यहाँ पे क्या होंगे, देखिए सुप्रीमम है तो इसके आगे वाले सारे नंबर होंगे एक्सक्लूडिंग ए, मतलब ए को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे भी क्या लगा है, ओपन ब्रैकेट लगा है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको अब देखिए इनफाइनाइट में क्लोज ब्रैकेट तो आता नहीं है, अगर कहीं पे अगर ऐसे लिख दें इनफाइनाइट और इसके सामने क्लोज ब्रैकेट लिख दें तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि सुप्रीमम है क्या,
ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं, इसीलिए हमेशा हम लोग जब इनफाइनाइट रहता है तो वहाँ पे हमेशा ओपन ब्रैकेट ही लगाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज्ड है, तो यहाँ पे जो सारी वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, अब इससे ये तो इनफाइनाइट है पर यहाँ पे क्या है, ये क्लोज्ड है, मतलब बी तक होंगी, बी भी क्या है इंक्लूडेड है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा है, क्लोज ब्रैकेट लगा है। तो यहाँ पे ये बात हो गई, ऑल वैल्यूज लेस देन और इक्वल टू बी, मतलब यहाँ पे लेस देन इक्वल टू बी होगा, जब भी लेस देन इक्वल टू बी होता है तो वहाँ पे क्लोज इंटरवल की ही बात होती है, और उसी की तरह ए कॉमा ये क्लोज्ड क्या है इनफाइनाइट। अब देखिए ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है, ये सेम वही चीज़ हो जाएगी, ऑल द वैल्यूज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, तो ऐसी कोई चीज नहीं होती, ये आप ऐसे कर सकते हैं। ये कर सकते हैं ऑल द वैल्यूज आर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, ठीक है, तो ए यहां पे क्या हो गया इंक्लूडेड हो गया और इसे बड़ा हो गया वैल्यू। तो ये सारी क्या होती है इनफाइनाइट इंटरवल्स होती हैं। आई होप ये आपको इंटरवल का लेक्चर समझ में आया है, इसमें जो भी बेसिक चीज़ें थी वो मैं आपको कवर करा दिया हूँ, इसकी जो भी आगे की यूजेज हैं ये हम लोग आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे वन बाय वन, इस टॉपिक के जो इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उसको हम लोग क्लियर करेंगे, कैसे डोमेन लिखते हैं, कैसे रेंज लिखते हैं, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अगर समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाइए, अपनी वैल्यूएबल कमेंट बता के जाइए, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो नीचे नंबर लिखा हुआ है जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9519002607, उस पर आप लोग अपने क्वेरीज को भेज सकते हैं और अपने डाउट्स को वहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।